यस मैम, अभी लाइव हो चुका है, आप स्टार्ट कीजिए पूनम मैम। हाँ, आशियाना बर्मानंद जमशेदपुर से मैं पूनम देवी। आज पॉजिटिव लाइफस्टाइल का सेशन लेके आई हूँ, और जो कि हमारी ब्रह्मा कुमारी की जया दीदी इसको हमारे साथ इसकी जानकारी साझा करेंगी। और साथ ही इस प्रोग्राम में हमारे मिथिलेश कुमार जी, जो कि रांची के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर है, उनका भी आने का है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सोनिया, अब जया दीदी से ये करें किया जाए। वेलकम जयदीदी। जया दीदी, मैं आ गया हूँ, मिथिलेश कुमार मैं जुड़ चुका हूँ। आपका बहुत बहुत जी जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका बहुत स्वागत है, और आप इस प्रोग्राम में आए हैं। और ये देखिए आशियाना की जो सुपर मॉम्स हैं, और ये इतना सुंदर प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, तो आपको भी इसकी बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू कि आपने इसमें हमको हिस्सा बनने का मौका दिया। जी उनसे ही बोले आप एकदम। नमस्ते। चलिए आज का नमस्ते सर, नमस्ते। तो मैं अपना ऑफ कर लेता हूँ वीडियो। ठीक है, ठीक है सर। सो आज क्योंकि एक घंटे का ही है, तो हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं, और आप बातचीत कर सकते हैं। तो आज का सेशन का नाम है पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो आप बताइए कि लाइफस्टाइल का अर्थ क्या आप समझते हैं, लाइफस्टाइल मतलब क्या? चलिए, आई थिंक चैट में अभी कोई है नहीं, बट ठीक है। लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं कि हमारा सोचना, बोलना, करना और हमारा व्यवहार जब पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं कि चलो ये पॉजिटिव लाइफस्टाइल है ना। हम बहुत ज्यादा ऐसे तो सामने से इंटरेक्टिव होने से अच्छा लगता है, बट ठीक है, फिर बीच में चैट में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। जीवन शैली, हमारी हमारी जीवन शैली। अच्छा ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा उसमें थोड़े से नॉलेज भी होगा, जो कि आई थिंक बहुत जरूरी है। नॉलेज इन द सेंस कि किसी चीज का एक्चुअल मीनिंग हमको पता चल जाए, उसका प्रभाव पता चलता है कि कितना गहरा उसका प्रभाव होता है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। तो वो चीज भी हम जरूर कवर करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल हम लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक घंटे में वाइंड अप इसको कर भी दें। तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल मतलब हमारा सोचना, बोलना, करना, जब हम किसी से व्यवहार में आते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो। लेकिन ये सारा कुछ है ना, जो कहते हैं कि बहुत इजिली हम पॉजिटिव रह सकें या हमको इसके पीछे बहुत सोचना ना पड़े, उसके लिए क्या चीज आवश्यक है, है ना। हम आपको एक शेयर कर सकते हैं, थोड़ी देर में शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन। तो क्या चीज जरूरी है कि बहुत सहज तरीके से हमारा जीवन या हमारा लाइफस्टाइल बहुत पॉजिटिव चले? अगर शॉर्ट में हम कहें तो कह सकते हैं कि जो एक आउटलुक होता है जीवन के प्रति, हमारा आउटलुक, क्या कहते हैं ना, हमारी मेंटल पोजिशनिंग अगर पॉजिटिव है, तो हम हर चीज को पॉजिटिव तरीके से ही लेंगे। एक आपको शेयर करते हैं पीपीटी, वो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। पॉजिटिव लाइफस्टाइल, आई थिंक ये पिक्चर भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सो एक जो हमारा आउटलुक होता है वो पॉजिटिव, उसका अर्थ है ये, है ना। इट्स ऑल अबाउट द वे अबाउट विच वे यू लुक, किस तरीके से हम देख रहे हैं या जीवन को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर होता है ना। हम चाहे तो, और जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, और आप देखेंगे एक ही तरह का चैलेंज होगा, कोई जो है उसको बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं और कोई उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं है, रोजमर्रा में जो छोटी छोटी बातें हम करते हैं या छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं, हमको शुरुआत एक्चुअली वहां से ही करना है।
जैसे एक हम आपको इंसिडेंट या स्टोरी सुनाना चाहेंगे, उसका प्रेजेंटेशन भी था पर उसने उसको हम डाले नहीं बहुत ज्यादा। तो जब 9/11 का अटैक हुआ था, आई थिंक हमारे में से बहुत लोग हम लोग हैं जो हम जानते हैं इसको, जो यंगस्टर्स होंगे शायद उन्होंने देखा नहीं होगा पर हम सब तो देखे हैं 9/11 का अटैक था। तो उसमें ये दोनों बिल्डिंग्स पूरे के पूरे कोलैप्स हो जाते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। तो वो जो 9/11 का अटैक हुआ था तो दोनों बिल्डिंग्स पूरे गिर गए थे और बहुत सारे ऑफिसेस थे जिनका ऑफिस स्पेस उसके साथ ही खत्म हो गया था। तो एक सिक्योरिटी की एक कंपनी थी, तो वो सिक्योरिटी के कंपनी वालों में ने सोचा कि उनका जो ऑफिस स्पेस था, जो वो दो बिल्डिंग में जो ऑफिसेस थे उनमें से जैसे कुछ कुछ लोग बच गए थे, है ना, तो उन्होंने उनको ऑफर किया था कि आप हमारे ऑफिस स्पेस में अपना ऑफिस का कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पर, जो लोग भी बचे हुए थे वो वहां पर अपना ऑफिस का कार्य करते थे। तो उसके जो सिक्योरिटी के हेड थे उन्होंने ये कहानी बताई थी। तो वो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके सारे कलीग्स जो हैं उस अटैक में उनकी डेथ हो गई या उसके विक्टिम हुए, आप कैसे बच गए? तो जो कैसे बचे थे वो बहुत छोटी छोटी बातें थी। एक व्यक्ति था वहां पर, तो जैसे हम ऑफिस चले आते हैं ब्रेकफास्ट या वो पूरे ऑफिस का जाकर बाहर से ही करते, यूजुअली खाकर आना या वो सब का बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने, एक ने कहा कि उस दिन मेरा चांस था सबके लिए डोनट्स लेकर आना, तो मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, डोनट्स लेने गया, तब तक वो प्लेन क्रैश हुआ और फिर हम दोबारा बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसे। एक व्यक्ति ने कहा कि आज उनके बच्चे का किंडरगार्टन स्कूल फर्स्ट डे शुरू हो रहा था, वो अपने बेटे को छोड़ने गए थे और वहां पर थोड़ा लेट हो गया, है ना, बच्चा जो है वो छोड़ नहीं रहा था, तो वहां पर थोड़ा लेट हो गया था इसलिए उनको देरी हुआ, उसके चलते वो बच गए। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि उस दिन नए जूते पहने थे, है ना, ये सबसे विशेष बात है, नए जूते पहने थे, नए जूते ने उनका पैर काट लिया था, तो वो बोले कि वो सबवे गए, जो भी उनका ट्रैवल का रूट था, फिर एक दुकान में रुके, दवाई दुकान में, क्योंकि उनको चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो वो दवाई दुकान में, उस दुकान में बहुत भीड़ थी, वो बोले हमारी मीटिंग थी, बहुत अपसेट भी लग रहा था कि देरी हो रहा है, लेकिन बैंडेड खरीदा, बैंडेड लगाया और थोड़ी लेट हो गए और फिर वो पहुंचे तो वो बिल्डिंग जो है वो उसके अंदर प्लेन क्रैश हो गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग था, एक मदर थी, है ना, वो मदर ऑफिस जाना चाह रही थी, तो उस दिन उसका बच्चा वो बेबी सिटर के पास छोड़कर जा रही थी, उस दिन उसका बच्चा बेबी सिटर के पास रह ही नहीं रहा था, बोली मेरा बहुत अर्जेंट एक मीटिंग था, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे थे, वो इतना रो रहा था, वो हमको छोड़ ही नहीं रहा था, तो हम सोचे ठीक है हम थोड़ी देर ही पहुंचेंगे, थोड़ा डांट ही खा लेंगे, और कहके उसने बच्चे को चुप कराया। थोड़ी देर के बाद जब चुप हुआ फिर वो गई, उसको आधे घंटे लेट हो गया था ऑफिस पहुंचने में, और इतने में प्लेन क्रैश हो जाता है। तो कई बार होता है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे हम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव आउटलुक हम इस तरह से ये सोचकर बना सकते हैं कि जीवन में जो भी सिचुएशन है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम इरिटेट होते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं कि हर सिचुएशन, हर परिस्थिति का कहते हैं ना कि उसमें बहुत कल्याण है, जो हम कहते हैं कि ये कल्याण कार्य, हर चीज जो हो रहा है उसके लिए, उसका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ है। तो इस एटीट्यूड से अगर हम जीवन को देखेंगे तो हमारा चेहरा कैसे होगा, वो जो येलो ड्रेस पहन कर आई है ना, हर परिस्थिति में सिचुएशंस आएंगे, कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं, हमको लगता है ये तो मेरे रास्ते में बहुत बाधा है, कई बार हम अपने सीनियर्स को देखकर हम सोचते हैं ये व्यक्ति नहीं होते तो मेरा जीवन बहुत आसान होता, कई बार हमारे कलीग्स ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे कोई परिवार के सदस्य होते हैं जिनसे हमको लगता है ये हमारे जीवन में नहीं होते तो मेरा जीवन बहुत अच्छा होता, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन क्या है, वो व्यक्ति वो हमारे रास्ते में नहीं है लेकिन वो ही रास्ता है, कहते हैं ना कि दे आर नॉट इन द वे, दैट इज द वे, और हर बाधा है ना, वो क्या, वो एक तरीके से ऑब्स्टेकल है, कोई चैलेंज है, कई बार एक व्यक्ति चैलेंज के रूप में आता है, लेकिन हर बार जब हम उसका सामना करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण डेवलप होते हैं,
कहते हैं कि द स्टडी ऑफ वर्च्यूज इज द हाईएस्ट स्टडी, इससे अच्छा कोई स्टडी है ही नहीं. और जीवन है ताकि हम हर रोज हमारा प्रोग्रेस हो. हम सोचते हैं कि हम बहुत इजी गोइंग है, वो कैसे पता चलेगा कि हम इजी गोइंग है कि नहीं, जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसा ना आए जो हमसे बिल्कुल विपरीत हो, जो हमसे उसका सोचना बोलना करना हमसे बिल्कुल विपरीत हो, और उसके साथ रहकर उसके साथ सामंजस्य बिठाकर हमारे अंदर बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं. हो सकता है ह्यूमिलिटी डेवलप हो, है ना, सहन करने की शक्ति डेवलप हो, जो कहते हैं ना कि जीवन को दूसरे तरीके से देखने की भी एक्सेप्टेंस, उसके गुणों को, उसके जो ऑपोजिट तरीका उसको हम एक्सेप्ट करते हैं वो हमारा डेवलप होता है. जब हम जीवन को इस नजरिए से देखें कि हर चीज में कल्याण है, तो हमारा जो आउटलुक होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है. उसके बाद हमको बहुत ज्यादा इसके पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं होती है. फिर हमारा थॉट भी पॉजिटिव होगा, हमारे शब्द भी पॉजिटिव होंगे, और हमारे कर्म भी पॉजिटिव होंगे. ये आपने, अगर आप ब्रह्मा कुमारी से कभी सेशन कराएंगे तो ये आपको स्लाइड हमेशा दिखेगा. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है, अगर आप चैट पर चाहें तो चैट पर भी लिख सकते हैं. अच्छा चैट, ओके चैट बॉक्स है, तो आप चाहें तो चैट पर भी लिख सकते हैं, है ना. आप कहते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये हम बचपन में फिजिक्स में पढ़ते थे, है कि नहीं, ये बचपन में फिजिक्स में पढ़ते थे कि टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर बाई रेजिलियंस. लेकिन धीरे धीरे ये कब बायोलॉजी में आ गया ये पता ही नहीं चला. तो आप बताइए, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा करना, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें ये आती हैं. तो ये कैसे आती हैं? ये आता है प्रेशर से, है ना. तो प्रेशर कहाँ से आता है, या हमारे जीवन में टेंशन या स्ट्रेस कम या ज्यादा होना, वो डिपेंड करता है प्रेशर और रेजिलियंस पर. तो प्रेशर कहाँ से आता है, कोई बताना चाहेंगे? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, प्रेशर कहाँ से आता है. अगर अनम्यूट करने का ऑप्शन है तो अनम्यूट करके बताकर फिर तुरंत म्यूट भी कर सकते हैं. टेंशन से आता है. चलिए, टेंशन, प्रेशर से टेंशन आता है. चैलेंजेस जिसको कहते हैं, मुश्किल परिस्थितियां, वो कहाँ से आती हैं, है ना. वो हम कह सकते हैं कि वो बाहर से आती हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. जीवन में परिस्थितियां कहाँ से आती हैं, वो बाहर से आती हैं, है ना. अचानक 2 साल कोरोना हुआ था, हम बाहर जाकर सब्जी भी नहीं खरीद सक रहे थे, सामान भी लेकर नहीं आ रहे थे, जो जहां था वो वहां फंसा हुआ था, कोई गांव में गया था, वो 1 महीने गांव में ही उसको रहना पड़ गया था, है ना. तो ये परिस्थितियां बाहर से आती हैं, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है. लेकिन हम टेंशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम कैसे कर सकते हैं, जितना हम अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं उतना ज्यादा हम अपने टेंशन को कम कर सकते हैं. आंतरिक शक्ति जितनी ज्यादा है, जैसे आप देखेंगे ना, एक लकड़ी के टेबल के ऊपर आप कितना वजन डाल सकते हैं, है ना. और उसी टेबल को अगर मजबूत बनाना है तो क्या करते हैं, उसको लोहे से कवर कर दे, या जैसे भी उस टेबल के ऊपर लोहा लगा दे, उसके चारों पैर में लोहा लगा दे. तो माना हमने उसकी शक्ति को बढ़ा दिया. तो जितना ज्यादा हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमको बाहर की सिचुएशन का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है, ये सभी मानते हैं. तो अब एक बात बताइए कि हाँ, जे सिंह आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो आंतरिक शक्ति, आप बताइए, आज के समय में हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का क्या कर रहे हैं, के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेशर या चैलेंजेस तो घटने वाला है आगे चलते चलते, या बढ़ने वाला है, आपको क्या लगता है? प्रेशर या चैलेंजेस घटने वाला है या बढ़ने वाला है, कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है, क्या लगता है? मैम, ये ध्यान नहीं देंगे और ज्यादा उसी बारे में सोचेंगे तो बढ़ेगा. हाँ, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे. जी चलिए, ज्यादा सोचेंगे अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड कैसे करेंगे, चलिए वो भी आज देखते हैं.
है ना, लेकिन जैसे दुनिया का सिचुएशन दिख रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चैलेंजेस है ना, कंपटीशन बच्चों का, आप देखें आज अगर आप ये देखते हैं ना जो डांस शोज या म्यूजिक शोज, कितना ज्यादा टैलेंट बढ़ता जा रहा है, तो दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं लाइफ में. चैलेंजेस आज के समय में, हम जितना चैलेंजेस को फेस नहीं करते थे, हमारे बच्चों को और ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है. तो लाइफ में चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ने ही वाले हैं, इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाते जाएं. आपको क्या लगता है कि हम आंतरिक शक्ति, अपने अंदर की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय मेडिटेशन. बाय मेडिटेशन, वेरी गुड. और भगवान की पूजा, प्रेयर से भगवान की पूजा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेप नॉलेज जाएंगे पूजा में, किसी धर्म ग्रंथ में, उससे भी कम होगा. सही बात है, सोच अच्छी लगती है. जितना हम अपने मन को शांत रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, है ना, थोड़ा समय अपने आप के साथ गुजारते हैं, तो हमारा इनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता जाता है. आज के समय में नेगेटिव थिंकिंग हमारा इतना क्यों होता है? अब देखते हैं ना कि हम, और किसी एक बात को, जो आपने कहा ना, किसी एक बात को हम पकड़ कर रख लेते हैं, और जब हम किसी बात को पकड़ते ना, एक तरीके से हम अपनी सारा जो शक्ति है उस बात को ही दे देते हैं, वो सारी शक्ति जैसे वो हमारे से छीन लेता है. तो आंतरिक शक्ति, हम पॉजिटिव रहें. देखिए कहते हैं ना, जैसे शरीर को अगर मजबूत बनाना है तो क्या करना होगा, उसको न्यूट्रिशन देना होगा. ऐसे ही मन को अगर मजबूत बनाना है तो मन को भी पॉजिटिव न्यूट्रिशन हमको देना होगा. तो जैसे आपने कहा न्यूट्रिशन आता है हम थोड़ा मेडिटेशन करें, है ना, न्यूट्रिशन आता है हम प्रेयर करें. जब हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं तो उससे भी हमको बहुत ताकत मिलती है, आंतरिक शक्ति बढ़ता है. तीसरा जो एक और चीज है कि जो कहते हैं ना कि हमारा इनपुट क्या हो रहा है, अंदर में क्या जा रहा है. हाँ सही बात है, हम अपने आप को क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे अंदर में क्या जा रहा है, किन बातों को हम ले रहे हैं. जैसे आज देखेंगे कि दिन भर हम बहुत बहुत सारा सीरियल्स देखते हैं, या जो भी बाहर से जो हमको इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत नेगेटिव ही इन्फॉर्मेशन है. तो जैसा इन्फॉर्मेशन हम लेंगे फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आप देखेंगे धीरे धीरे मेरा सोचना बोलना करना भी उसी हिसाब से हो रहा है. आजकल न्यूज है या सीरियल्स है, उसमें पॉजिटिव चीजें कम दिखती है ना, नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती हैं. और वो नेगेटिव चीजें जब हम ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति जो है वो कमजोर होती जा रही है. और ये जो आप प्रोग्राम करते हैं ये बहुत ही अच्छा है कि हम, है ना, इन बातों को ये एक तरीके से पॉजिटिव इनपुट है जो हम अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, कभी सोचे हैं? अच्छा एक कोई भी सिचुएशन आता है तो आपको क्या लगता है, हम रिएक्ट करते हैं या हम रेस्पॉन्ड करते हैं? दो चीजें, एक रिएक्ट करना और एक रेस्पॉन्ड करना. यूजुअली आप देखेंगे, हम बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस में नहीं जा रहे हैं, है ना, हम बता ही दे रहे हैं. यूजुअली हम देखेंगे कि जैसे ही कोई बात आती है ना, तुरंत पहले हमारा रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होता है ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, मेरे ही साथ ऐसे कैसे होता है, उसी ने ऐसे किया है, मतलब ब्लेम करेंगे उसको. एक तरीके से एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, और जब हम रिएक्ट करते हैं इसका मतलब है कि हमारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम की तरफ है, है ना, सारा फोकस हमारा प्रॉब्लम की तरफ है कि ये ऐसे कैसे हो गया. यूजुअली जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, जिन बातों को हम एक्सपेक्ट करते हैं वो तो हम जानते हैं, उसके हिसाब से हमने अपनी मनस्थिति को रेडी किया हुआ है. लेकिन जो चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं उनके ऊपर हमारा सबसे पहले रिएक्शन होता है. तो जितना हम रिएक्ट करते हैं, हमारा इमोशंस नेगेटिव, हमारा थॉट पैटर्न नेगेटिव होता है, बहुत फास्ट हमारे संकल्प चलते हैं, और वो इतने ज्यादा संकल्प चलते कि हमको दिखाई देना या क्लैरिटी नहीं होती है. लेकिन आप देखेंगे कि हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन रिएक्ट करने के बाद मान लीजिए एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम सोचते हैं अच्छा ठीक है चलो हटाओ, अब क्या करना है, है ना.
तो जब हम ये कहते हैं ना कि अब क्या करना है, दैट मीन्स रिएक्शन से हम रेस्पॉन्स में चले गए. आई एक्सेप्टेड, ओके दिस इज द प्रॉब्लम, नाउ वॉट, अब हमको क्या करना है. सो इसीलिए रिएक्शन है फोकस ऑन द प्रॉब्लम और सोल्यूशन, रेस्पॉन्स है फोकस ऑन सोल्यूशन. ये हमारा रिएक्शन जितना फास्ट है ना, जितना फास्ट हम रिएक्शन से रेस्पॉन्स में आते हैं या हम सीधे रेस्पॉन्स में आए होता है हर एक का. हम हर एक को पहले, और जितना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उतना फास्ट सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है. लक्ष्य हमको रखना है किस चीज का, इट्स ओके, इट्स ओके ये हो गया, इट्स ओके मेरा बेटा फेल हो गया, नाउ वॉट, है ना. फेल हो गया तो ये कितना बड़ा एक धक्का होता है, कितने दिन तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. और जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक करते बच्चे को ब्लेम करेंगे, मे बी उसके द अदर पेरेंट, है ना. अगर हम मदर्स हैं तो फादर को ब्लेम करेंगे, ध्यान नहीं देते हैं, टीचर्स को ब्लेम करेंगे. बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर द सोल्यूशन. रेस्पॉन्स इज कि हम फिर, है ना, मान लीजिए एक दो महीना हम उसके ऊपर बहुत ब्रूड भी के, एक टाइम आएगा जब हम सोचेंगे अच्छा ठीक है अब क्या, अब तो ये हो गया. और ये जितना फास्ट हमारा रिएक्शन से रेस्पॉन्स में जाता है, क्योंकि जब हम रेस्पॉन्ड करते हैं ना हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं. मेरा माइंडसेट जो है अब सोल्यूशन की तरफ है, मेरा फोकस सोल्यूशन की तरफ है. अब हम रास्ता निकालेंगे, अब हम सोचेंगे ठीक है ये चीजें उसने पढ़ाई नहीं की थी, इन इन बातों को ध्यान देना होगा. अब हमको अपनी तरफ से क्या करना है, उसको कैसे ये करना. अब मेरा मेंटल पोजिशनिंग जो पहले रिएक्शन के समय नेगेटिव था, वो मेंटल पोजिशनिंग अब मेरा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अब हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं. मेरे थॉट्स थोड़े अब उतने फास्ट नहीं होते हैं, क्योटिक नहीं है, वो शांत है. और हमारे थॉट्स जितने शांत हैं, हर चीज हमको, परिस्थिति हमको और क्लियर दिखाई देगी. और जब वो क्लियर दिखाई देती है तो हमको सोल्यूशन निकालना, उसके पार देखना, सिचुएशन को सही तरीके से समझना, वो इजी हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं. यूजुअली हम रिएक्ट क्यों करते हैं, किसी को ब्लेम क्यों करते हैं. चलिए अगले स्लाइड में ही हम आपको पूछ देते हैं. हम कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हर्ट करते हैं, लोगों के पीछे बात, ये सारी नेगेटिव चीजें है ना. और कहीं ना कहीं ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, हमको नेगेटिव की तरफ ले जाती है. और हम हर एक जानते हैं कि ये चीज हमको नहीं करना चाहिए. और जब हम खुद करते तो हमको पसंद भी नहीं आता. हम हर एक को लगता है ये चीज हमको करना नहीं चाहिए. लेकिन कभी सोचें कि क्यों हम न चाहते हुए भी कंप्लेन करते, क्रिटिसाइज करते हैं, पीछे से बात करते हैं. कई बार तो बकायदा पूरा, जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं ना, हम बकायदा उसके विरुद्ध में पूरा षड्यंत्र रच देते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. कितनी सारी नेगेटिव चीजें हम करते हैं, कभी सोचा. और कोई जानबूझकर नहीं करना चाहता है, करने के बाद अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन कर दिया तो फिर रिजल्ट तो हमको सामने देखना ही होगा. तो कभी सोचा ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं. जब कोई भी चीज हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती तब हम ऐसा काम करते हैं, है ना. मन के अकॉर्डिंग नहीं है तब हम ऐसा काम करते हैं. या कोई अपने आप को इनसिक्योर फील करता है तो करता है, इनसिक्योर फील करता है, राइट. तो इनसिक्योर फील करता है, मन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है. और ऐसा नहीं कि हमको बहुत अच्छा लगता है ये करके, आई नो दिस इज रॉन्ग, है ना. और ये अक्सर किसके साथ होता है जानते हैं, ये सब किसके लिए हम करते हैं, जो हमारे से बहुत क्लोज है, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ हम ऐसा करते हैं. और फिर हमको बहुत अफसोस भी होता है ना. ये बहुत साइकोलॉजी है. और ये चीज हमने अपने ऊपर आजमाया है तो ये बहुत प्रैक्टिकल है. हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये जरूर करने के लिए, ठीक है. क्या करने के लिए, ये एक्चुअली हम सभी बहुत हर्ट हैं. और हर्ट कहाँ से हैं, और यूजुअली क्या होता है ना, बच्चे जब वो अपनी हर्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा बड़ों को रेस्पेक्ट करना है, ऐसे नहीं बोलना है, तुम चुप हो जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे डांट खा लिए तो क्या हो गया, है ना. तो हम कहीं ना कहीं अपने हर्ट को, अपने फीलिंग्स को हम सप्रेस कर देते हैं. और जब हम सप्रेस करते हैं ना, वो अंदर में घाव है जो बचपन में हुआ था, कहीं ना कहीं तो हम एक एक कहते हैं ना, एक दीवार खड़ी कर देते. बहुत तो उसको हम
कहते हैं ना सबकॉन्शियस के अंदर वो चला जाता है, वो नंब कर देते हैं, लेकिन बड़े होकर भी बहुत सारे घाव बहुत सारे हर्ट हमको मिले हैं। और अक्सर क्या होता है, मान लीजिए किसी ने हमको कुछ कहा है ना जो हमको पसंद नहीं आया, जैसे किसी ने कहा कि आपका ड्रेस बहुत खराब है ना, फॉर विमेन ये बड़ी बात होती है कि आपका ड्रेस ना आपको सूट नहीं कर रहा है, तो तुरंत हम क्या करेंगे है ना, हम किसी और को बोलेंगे क्या समझती अपने आप को, अपना ड्रेसिंग सेंस देखा है क्या, उसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है क्या, तुम बताओ तो मेरा ड्रेस खराब है क्या, नेचुरली बगैर नहीं नहीं बहुत सुंदर है, बताओ हाँ कहाँ से लिया था, कितना अच्छा वाला लिया था, वो अपने आप को क्या समझती है। तो एक तरीके से ये क्या है, आप अगर सोचेंगे तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, और अगली बार उससे मिलेंगे तो क्या होगा, वो जो बहुत अच्छी दोस्ती रही होगी है ना, लेकिन वो दोस्ती में एक गांठ पड़ गया है, और अगली बार मिलेंगे तो हम कुछ ना कुछ ढूंढेंगे है ना उसको कम्युनिकेट करने के लिए कि तुम्हारा ये खराब है, आपका ड्रेस ऐसा है, आपके ऊपर कलर सूट नहीं करा, या एनीथिंग, आपका सैंडल कितना बेकार है, और उसको अगर कुछ खराब होगा तो हम कहेंगे अच्छा हुआ दिखा, कैसा समझ में आया ना, कैसा लगा अभी उसको, ये सब हम करते हैं है ना, और ये हम जानबूझकर नहीं करते एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि अच्छा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एक्चुअली क्या है ना, ये है कि वी आर हर्ट और उस हर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे उसको कवर कर दिया है ना, कवर कर दिया उसको एक्सेप्ट नहीं करे, अब राह चलते जो भी इसको टच कर रहा है तो हमको तकलीफ हो रही है ना, और ये जो टॉकिंग वो उस व्यक्ति ने हमको कहा कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा नहीं, उसको तो वो तो हर्ट हमको फील हो गया, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम हर्ट हुए, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कई वर्षों तक इस बात को हम पकड़ कर रखेंगे है ना, क्यों, क्योंकि इसकी हीलिंग नहीं हुई है, ये घाव जो है ये भरा नहीं है, और ये भरा नहीं है, और तो उसको सोच सोच कर और कुरेद कुरेद के कई बार हम बड़ा भी कर देते हैं है ना, इसको इस हर्ट को हील करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हमने पढ़ा था है ना, हमारा वैल्यू एजुकेशन का कोर्स होता है उसमें हमने पढ़ा था, और अपने ऊपर हम अप्लाई किए, और बिलीव मी ये समझने में आपको लगेगा कि बहुत ये तो कुछ बात ही नहीं है, लेकिन आप जरूर ट्राई करेंगे ठीक है, आप चाहें तो आप आज भी ट्राई कर सकते हैं किसी भी एक हर्ट को है ना, कोई भी बात आप सोच लीजिए अभी हाल फिलहाल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा ना कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा नहीं ठीक है, तो हम बोले समझती क्या है ये ऐसे है, उसकी बजाय हम एक मिनट आंख बंद करके और हम एक्सेप्ट करें, अब फोकस उसकी तरफ नहीं हो, फोकस किस तरफ हो, आई एम हर्ट है ना, हमको बहुत हर्ट फील हुआ, उस वो जो हर्ट फीलिंग है ना उसको आपको शब्द देना है ना, वो जो इमोशन आप फील कर रहे हैं उस इमोशन को आप शब्द दीजिए, आई एम फीलिंग बिट्रेड क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हमको लगा कि वो सबके सामने नहीं बोलकर हमको अलग से बोलती, वो बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलती या वो नहीं बोलती ठीक है, सो आई एम फीलिंग बिट्रेड, कुछ भी हो सकता है, आप उसको उसको शब्द दीजिए ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग, जस्ट फील इट कंप्लीटली, आई एम फीलिंग सो बिट्रेड, आई एम फीलिंग हर्ट, अब देखेंगे ना कि फोकस अब उसकी तरफ नहीं है, फोकस अब हमारा हमारी तरफ है, और जब आप थोड़ा सा इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम हर्ट हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ना, जैसे कहते हैं ना हमारे शरीर के अंदर नेचुरल हीलिंग एबिलिटी है, तो अगर चोट लग गया आप उसको मरहम नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप उसको रहने भी देंगे ना तो धीरे धीरे शरीर हील कर देता है, लेकिन एक्सेप्ट करना है कि वो चोट लगा है, जब चोट को एक्सेप्ट करेंगे तभी नेचुरल है कि उसको और आगे चोट लगने से हम बचाएंगे, तो जब इस तरह का कोई बात होता है ये जो हमारा मानसिक हर्ट होता है इसको भी हमको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं वो हमारा जो है अंदर में आप देखेंगे एक हमारा सेल्फ काउंसलिंग, हमारे अंदर में काउंसलर होता है जो वो हमको काउंसल करना शुरू करता है, और वो जब हर्ट हील होता है तो हमको दूसरे साइड का पक्ष भी समझ में आने लगता है, आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो मीन नहीं की है ना, उस
आई थिंक वो इसलिए बोली थी क्योंकि उस ओकेजन के लिए ये ड्रेस जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं था। आप देखेंगे आपको किसी और को ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे विचार आपको खुद ही आने लगेंगे, खुद ही आप रियलाइज करेंगे। एंड इट डज नॉट टेक मोर देन वन डे, कोई पुरानी बड़ी बात होगी तो 3-4 दिन बहुत समय नहीं लगता, कोई कुछ चीजें तो आप तुरंत ही आपका वो हील हो जाएगा, तुरंत ही आप दूसरा एस्पेक्ट देखना शुरू करेंगे। और वो बात है ना जो हम कहते हैं बहुत सारी पुरानी बातें हम लेकर चल रहे हैं, जिसको कहते हैं ना जिंदगी भर हम याद रखेंगे, तुम वो बोले थे तुम वो किए थे, वो सारी बातें एक एक करके वो जो बोझ हमने अपने सिर पर रखा है जिसकी वजह से हम एनर्जी हमारा 90% एनर्जी ना वो पुरानी बातों को पुराने कंप्लेंट्स को पुराने हर्ट को याद करने में जो लगता है, ये सारा आप देखेंगे कि खत्म हो गया वंस एंड फॉर ऑल। हमारा जो रिश्ता है पहले जैसा था, सारी गांठें खुल जाती हैं, फिर वो पहले जैसा हमारा ओरिजिनल रिश्ता हो जाता है। और आप देखेंगे कि मेरा जो भी टाइम एंड एनर्जी है नेगेटिविटी तो मेरे अंदर आएगी नहीं। और जितना जितना ये हर्ट जो है आपका हील हो गया, इफ यू कंप्लीटली हील, हमारे बचपन के भी बहुत सारे हर्ट्स हैं है ना जो हमारे पेरेंट्स ने अनजाने में है ना, तो क्या कहते हैं ऐसा कहते हैं कि जो बड़े होते हैं ना बड़ों के लिए जो नॉर्मल बात होती है वो छोटों के लिए कई बार वो एक ट्रॉमा के जैसा होता है। तो एक बार उसको भी कुछ बातें जो याद हैं एज एन एडल्ट जाकर हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, यस आई वाज हर्ट, हमको बिट्रेल फील हुआ, आई फेल्ट अबैंडन्ड, हमको लगा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, उसको बस एक्सेप्ट करना है। कोई डीप हर्ट होगा तो आपके आंख से 2 आंसू भी जरूर निकलेंगे, बह जाने दीजिए। और फिर उसके बाद आप इतने क्लीन हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब कोई कुछ कहेगा भी आप उसके हाँ आप उसके पीछे की बात को तुरंत है ना, अब धीरे धीरे वो हर्ट फील आप तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली उसके पीछे का जो ये है वो दिखाई पड़ने लगेगा है ना। ये बहुत सुंदर, ये साइकोलॉजी में भी कहते हैं लेट इट हर्ट एंड लेट इट हील सो कैन यू कैन फाइनली मूव ऑन। जब तक उस हर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो हील नहीं करेगा है ना। और हम बहुत सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, हम उसको हील नहीं होने दे रहे। ये आप हीलिंग करेंगे आपका लाइफस्टाइल इतना पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी इतना सारा जो ना कंप्लेन क्रिटिसाइज पीछे बात करना उसके लिए षड्यंत्र रचना ये सारा चीज आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएगा। हर रिश्ता इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल हर रिश्ता ठीक है। एक जो ये आप चाहेंगे तो हम लास्ट में इसके ऊपर मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं। एक और जो बात है जो हमको बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ ले जाती है वो है कंपैरिजन है ना। और जितना ज्यादा सोशल मीडिया आज के समय में एक्टिव है ये कंपैरिजन का कीड़ा जो है ये उतना ही ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम हर एक के जीवन को देख सकते हैं। और अगर आप नजदीक जाकर देखेंगे ना जो वहां पर दिख रहा है वो बहुत अच्छा है, और मैक्सिमम आप देखेंगे घर में कलह का कारण है वो है ये कंपैरिजन। हमको लगता है कि हम तो जमशेदपुर में ही फंस गए, मेरी फ्रेंड्स तो फॉरेन में है, वो तो इतने अच्छे अच्छे फोटो भेजती हैं, हम तो कहीं नहीं जाते हैं, सो आई फाइट विथ माई स्पाउस, अपने आप को दोष देते हैं है ना, मेरा उसका तो प्रमोशन हो गया मेरा तो हुआ ही नहीं है, वो तो इस कंपनी में काम करती है हम तो इस कंपनी में काम करते हैं। वेरी ब्यूटिफुल लाइन, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड द मून, दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। और हर एक की आवश्यकता है ना, सूरज की आवश्यकता है तो चंद्रमा की भी आवश्यकता है। गर्मी के दिन में ये चंद्रमा ज्यादा पसंद आता है ना क्योंकि ये शीतलता देता है ना। शाम को जब बाहर निकलते ये फुल मून होता है कितना ब्यूटीफुल होता है। तो हरेक का जीवन में बहुत बहुत, और हरेक के लाइफ का पर्पस अलग है इसीलिए कहीं तुलना है ही नहीं, जैसे सूरज और चांद की तुलना कर ही नहीं सकते हैं ऐसे हरेक व्यक्ति के जीवन का पर्पस अलग है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं है ना। कुछ चीजें जो हमने कहा था ना कि कुछ आपको नॉलेज भी चाहिए कि जैसे है ना कि हम आपको एक बॉटल पानी देंगे और आपको देंगे तो आप पी लेंगे, लेकिन आपको अगर पता हो कि इस बॉटल के अंदर इस पानी के अंदर कुछ ऐसी ऐसा चीज मिला हुआ है जो हमको नुकसान करेगा या उसमें जहर मिला हुआ है,
तो आपको कितनी भी प्यास हो, कितने भी जोर से प्यास हो, आप उस पानी को नहीं पिएंगे, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहेंगे एक आध घंटा, एक दिन भी हम प्यासे रह सकते, कैसे भी करके हम रह लेंगे, लेकिन वो जहर वाला पानी हम नहीं पिएंगे। तो आज आप देखेंगे ना हमारे जीवन में जैसे स्ट्रेस को या गुस्से को हम बहुत नेचुरली यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सपोज एक तरीके से वो कैसे आया ना, एक तो हम देख कर सीखते हैं, और मान लीजिए हम बहुत अच्छे पोस्ट पोजिशन पर हैं, तो हमने बचपन में देखा, मान लीजिए गए अपने फादर के ऑफिस में और उनके बॉस थे, एंड आई सॉ हिम वेरी स्टर्न एंड वेरी स्ट्रिक्ट, एंड हमको लगा कि अच्छा, एंड वो स्टर्न और स्ट्रिक्ट थे, और वो जो काम कह रहे थे ना किसी को, वो बहुत स्ट्रिक्ट होकर गुस्से में वो सारे लोग दौड़ कर उनके काम को पूरा कर रहे थे। वो हमने देखा, वो मेरे माइंड में प्रिंट हो गया, सपोज, है ना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये मेरे माइंड में प्रिंट हो गया। फिर हमको क्या लगता है, गुस्सा करना, इरिटेट होना, ये क्या है, दिस इज अ साइन ऑफ पावर। और जब हम गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो दैट मीन्स कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी बिजी, और ये मेरे पावर को दर्शाता है। तो आप देखेंगे इसको हम धीरे धीरे, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी हम ये करना शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम है, तो आप देखिए कितना कितना इरिटेट होते हैं, और हमको लगता है इरिटेट होने से वो मेरा पावर। और बच्चा, अगर मेरे साथ में मेरा बच्चा और वो देख रहा है मेरी मम्मी इतनी इरिटेट हो रही है, गाली दे रही है, गुस्सा कर रही है, तो उसको लगेगा कि ओके, जब हम बड़े होते हैं ना, when things are not according to me, the way to react, okay, not respond, the way to react is, उसको हम गुस्सा करेंगे, गाली देंगे, चिल्लाएंगे, हॉर्न बजाएंगे। अब सोचिए ना, हॉर्न किसके लिए बजा रहे हैं, अपने आगे वाली गाड़ी के लिए, उसके आगे वाली गाड़ी के लिए, क्या उससे 100 गाड़ियां आगे खड़ी है, किसके लिए हम हॉर्न बजा रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये स्टार्ट होता है इरिटेशन से, ये स्टार्ट होगा हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। और ये धीरे धीरे हम सीखते सीखते इसके हम मास्टर बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गाना सीखते सीखते बजाते बजाते उसके रियाज से हम मास्टर बन जाते हैं। चाय बनाते बनाते पहली बार खराब, दूसरी बार, हजारों बार बनाए, उसके हम मास्टर बन गए। ऐसे आज हम, है ना, इरिटेशन के, गुस्से के, ये सब चीज के क्या हो गए हैं, मास्टर हो गए हैं। और हम सोचते हैं कि माइक अनम्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है, आप माइक को म्यूट कर लीजिए, जिनका भी अनम्यूटेड है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आज के समय में हम इस चीजों के मास्टर हो गए, है ना। और इसका प्रभाव क्या हो रहा है हमारे ऊपर, नेचर के ऊपर, और जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे, जिनके लिए आई थिंक 8 घंटे 16 घंटे हम काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे जीवन का लक्ष्य ही वो है। कहते हैं ना कि हमारे जीवन का सारा पर्पस हमारे बच्चे हैं। लेकिन आप देखिए कि हर बार जो हम नेगेटिव थॉट करते हैं, हमारे संकल्पों का, हमारे थॉट्स का प्रभाव नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर कैसे होता है, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट है, हो सकता है आपने देखा हो, बट आई थॉट कि अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उसके लिए ये अच्छा रहेगा। तो एक साइंटिस्ट हैं, जापान के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मसारो इमोटो। आई थिंक आई टेक 10 more minutes, मतलब मे भी 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मसारो इमोटो, उन्होंने थॉट का प्रभाव पानी के ऊपर उसको रिसर्च किया। तो कैसे करते थे, जैसे हम बर्फ जमाते हैं फ्रिज में, वैसे नहीं जमाते थे वो पानी को, है ना, किसी एक बॉटल में पानी लिया, कुछ समय तक उसके ऊपर कोई थॉट, उसके सामने बैठकर कोई थॉट क्रिएट किया, या पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर उस पानी को -22 degrees तक ले जाते हैं, फिर उसको फ्लैश फ्रीज करते हैं, और फ्लैश फ्रीज करते तो उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसके क्रिस्टल्स को उन्होंने स्टडी किया। तो आप देखिए ये क्रिस्टल्स हैं, है ना, द इमोशनल एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस, जो फिजिकल, पानी के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ये था, ये फर्स्ट वाला है ईविल, सेकेंड वाला है यू फूल, बेवकूफ। आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को, जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको हम कितनी बार कहते हैं गधे हो, बेवकूफ हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, अक्कल है कि नहीं। ये सारी चीजें जो है ना, उसके अंदर पानी के क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है, क्रिस्टल बनता ही नहीं।
ये है यू डिस्गस्ट मी, हमको तुमसे नफरत है, तुमको देखने की इच्छा नहीं है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं हम सबसे जो करीबी हैं उनको इस तरह उनके लिए इस तरह की फीलिंग क्रिएट करते हैं। तुमको ना भी बोले तो हम कहते हैं इनको तो देखने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, आप देखिए उसका क्रिस्टल कैसा है, ये थैंक यू लव एंड ग्रेटिट्यूड एंड हार्मनी, इसका कितना ब्यूटिफुल क्रिस्टल है। और ये क्या है, हमारा शरीर कितना परसेंट वाटर से बना है ना, कहते 70% हमारा शरीर जो है वो पानी से बना है। तो 70% जब हमारा पानी है और ये पानी तो शरीर के बाहर रखा हुआ था, बाहर था उसके ऊपर थॉट प्रोजेक्ट किया, ये तो जब हम थॉट क्रिएट करें ना तो हमारे शरीर को सबसे पहले वो डैमेज कर रहा है। और जब हम इस तरह के थॉट क्रिएट करते हैं, हमारे आसपास हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर में पानी है, जब हम भोजन बनाते हैं गुस्सा करके तो ये सारा नेगेटिव वाइब्रेशन जो है ना उस भोजन के अंदर भी चला जाता है इस तरह का क्रिस्टल्स बनाकर। इसलिए आप देखेंगे प्रसाद, मंदिर के प्रसाद का इतना वैल्यू क्यों है, क्योंकि बहुत ऊंची वो फीलिंग्स के साथ उसको बनाया जाता है। तो कहते एक भी खाओ ना तो वो हमको हील करता है। तो अगर हम घर में ही रोज बहुत ही ऐसे भावना से भोजन बनाएंगे, बहुत हमारा जो थॉट्स होगा, एक एक थॉट अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। ये सिर्फ पानी के ऊपर नहीं, उन्होंने देखे फूड ग्रेन के ऊपर, है ना, चावल को पकाकर, और एक महीने उन्होंने चावल को, पके हुए चावल को रखा, बीच वाला जो चावल है उसके ऊपर कुछ नहीं किया। ये जस्ट एक होता ना एग्जाम्पल है आधार के लिए, ये जो चावल है दाहिनी तरफ है उसके ऊपर हेट वाली फीलिंग रोज रोज क्रिएट किया, आप देखिए वो कितना, ये नॉर्मल वाले से कितना ज्यादा काला हो गया है। और जिसके ऊपर लव का फीलिंग प्रोजेक्ट किया, आप देखिए वो सड़ा ही नहीं, वो कितना सुंदर अभी भी वाइट है, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे ये इसके ऊपर भी है ना, पौधे के ऊपर, तो दो पौधे हैं, दोनों को इक्वल पानी दिया, धूप दिया, हवादार जगह में रखा, उसको खाद दिया, एक को रोज रोज, है ना, एक महीने तक उसको आई लव यू वो वाली फीलिंग क्रिएट की, और इसके ऊपर आई हेट यू वो वाली फीलिंग क्रिएट की। आप देखिए आई लव यू वाला जो फ्लावर है वो कितना सुंदर है, कितना फ्लरिश कर रहा है, और ये देखिए ये जो नफरत वाला है वो कैसा मुरझा गया है। कई बार हम सालों दर साल, है ना, जिसके साथ जीवन बिता रहे हैं उसके लिए कितना नफरत की फीलिंग क्रिएट करते हैं। एक तरीके से देखिए तो हम उसके जीवन को क्या कर रहे हैं, है ना। और एक एक थॉट, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको लगेगा कि ये धीरे असर पड़ता है, पता तो नहीं चलता है, लेकिन हमारा शरीर कैसा है ना कि जितना रिक्वायर्ड है उसका डबल हमारे शरीर में उसकी डबल कैपेसिटी है। जैसे एक किडनी ही चलता है, एक किडनी से हमारा शरीर चल सकता है, तो हमारे पास दो किडनी है, तो एक किडनी जब खराब होगा तो एक किडनी आप उनको हिला, एक किडनी जब खराब हो जाएगा दूसरा किडनी भी जब खराब होने लगेगा ना, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ब्लड में या रिपोर्ट्स में वो आता है। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वो जो ब्लड रिपोर्ट्स है या जो भी रिपोर्ट्स है, टेस्ट का रिपोर्ट्स है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तब तक काफी सारा चीज नुकसान हो चुका होता है। हर बार जब हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं हमारे शरीर पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, वो पता बाद में चलता है। इसलिए कहते हैं ना 40 वर्ष के बाद हमारा नीचे का ढलान शुरू होता है, क्योंकि इतना तक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेने की कैपेसिटी हमारे शरीर को होती है, धीरे धीरे फिर वो और ले नहीं सकता, काफी कुछ हमने डैमेज कर दिया है। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है ताकि हम रियलाइज करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, हमको नेगेटिव सोचना ही नहीं है, हमको पॉजिटिव ही रहना, और उसके लिए सेल्फ हीलिंग, है ना, जो हमने आज आपको बताया आप कर सकते हैं, समय होगा तो हम लोग लास्ट में करेंगे भी, सेल्फ हीलिंग बहुत आवश्यक है। ये चीजों को हम छोड़ दे रहे हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। आज के समय में डॉक्टर्स रिसर्च में कहते हैं कि मेरा जीन्स जो है हम उसको भी, है ना, वो डिसाइड नहीं करता है, हम चाहें तो अपने जीन्स, कहते हैं ना कि अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो बच्चों के ऊपर रिस्क है, बट हम उन जीन्स को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं अपने पॉजिटिव थॉट से, इसको भी रहने दे रहे हैं। एक जो एंड में हम आपको बात बताना चाहेंगे,
कि हमारे थॉट्स का ये पूरे कहते ना कि ब्रह्मांड के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। एक एक बुक है ना, पावर वर्सेस फोर्स, ये स्पिरिचुअलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे ना बहुत सारी चीजों के ऊपर साइंस ने रिसर्च किया है। जो हम पढ़ते थे तो जब रिसर्च होता है ना तो उसको किसी के सामने पुट करने में बहुत इजी होता है। तो ये एक एक साइंटिस्ट है डेविड आर हॉकिंस, इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया है और ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, मतलब हमारा जो थॉट है, वो किस एनर्जी पर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर जो एनर्जी है, एक मिनट, जैसे शेम है, शेम का कहते हैं कि लोएस्ट उसका फ्रीक्वेंसी, जैसे हम किसी को कहते हैं ना, किसी से मिलते तो बोलते हैं कि हमारा ना इनके साथ फ्रीक्वेंसी बहुत मैच कर रहा था, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है ना उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होता है। कहीं कहीं हम जाते हैं ना, कई बार आप देखेंगे बहुत कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, तो हम वहां जाते हैं तो हमको लगता है कि बाप रे उनसे मिलकर ना लगता है जैसे मेरी सारी एनर्जी उन्होंने ले लिया, जिसको हम कहते हैं ना कि वो एनर्जी वैम्पायर्स, उनके लिए एक शब्द कहते हैं। और एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, तो आप अगर बहुत पॉजिटिव है तो वो आपकी एनर्जी को वो खींच लेते हैं, और आप देखेंगे अक्सर ऐसे लोगों को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो दुनिया में हम सोचते हैं ना कि दुनिया जो है वो गुस्से से चलती है, वो अहंकार से चल रही है, लेकिन ये जो है ना, ये जो करेज के नीचे, ये जो 200 के नीचे का अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारे थॉट्स का जो फ्रीक्वेंसी है, किस तरह का हमारा जो कहते हैं ना नॉर्मल डे टू डे हम कार्य करते हैं, तो हम किस फ्रीक्वेंसी पे हैं, अगर इसका सब टोटल करेंगे दिन भर का, तो हमको टोटल करने से पता चलेगा कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर नॉर्मली ऑपरेट करते हैं। जितना हमारी फ्रीक्वेंसी लो है, ये लाइफ डिस्ट्रक्टिंग है, ये डिस्ट्रॉय करता है, और 200 के ऊपर वाला जो एनर्जी है ये लाइफ गिविंग एनर्जी होता है। वो कहते हैं ना कि ये धरती को वो लाइफ देता है, ये एनर्जी देता है। और आज के समय में जैसे आप देखते हैं ना पेड़ पौधे, उसके अंदर वो शाइन, वो लस्टर ही आज के समय में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेगेटिव थॉट है वो लाइफ गिविंग फोर्सेस वो ना डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आप देखेंगे ये सिंपल है ना, शेम, कुछ पोर्शंस एक्चुअली दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है, शेम है, शेम का कहते हैं कि 20 है फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है शेम, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये डेथ के साथ मैच करता है। गिल्ट का है 30, उसके ऊपर का दिख नहीं रहा है। फियर का है 100, डर, डिजायर का है 125, एंगर, प्राइड, करेज जो है, करेज से कहते 200 के ऊपर जो है फिर ये पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाता है ना। और न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस, एनलाइटनमेंट है ना। एक्चुअली एनलाइटनमेंट कहते हैं कि 1000 पे, 700 to 1000, ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेट होता है। इसलिए आप देखेंगे कि धरा पर एक कोई ऐसा, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, तो ये जैसे पूरे एनर्जी को चेंज कर देते हैं, है ना। और आप देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं इसका क्या एक्चुअली पर्पस है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति, इसलिए यहाँ पर ये भी हम डाल दिए हैं, एक व्यक्ति जो 700 लेवल पर, जिसके कॉन्शियसनेस की लेवल 700 है, माना वो पीस एनलाइटनमेंट के आसपास है, तो वो 7,00,200 के नीचे, माना लाइफ डिस्ट्रॉइंग जिनका कॉन्शियसनेस या थॉट प्रोसेस है, तो ऐसे 7,00,000 लोगों को एक व्यक्ति बैलेंस कर सकता है ना। एक व्यक्ति जो 600 लेवल पर है, 600 इज पीस, उस लेवल पर है, तो वो 1,00,000,000 लोगों को, नेगेटिव लोगों को वो बैलेंस कर सकता है। एक 500 लेवल, 500 इज लव का लेवल है ना, लव एंड कंपैशन, जिसको लविंग काइंडनेस कहते हैं, तो 1 पर्सन एट द लेवल ऑफ 500 कैन काउंटर बैलेंस 7,50,000 लोग जो नेगेटिव एनर्जी में 200 के नीचे, जिनका लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो उसको बैलेंस कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो 400 लेवल पर है, जो रीजन के लेवल पर है ना, ये रीजन, तो वो 4,00,000 लोगों को बैलेंस कर सकता है। एक व्यक्ति जो 300 लेवल पर है, 300 इज विलिंगनेस, न्यूट्रलिटी एंड विलिंगनेस, दे कैन बैलेंस 90,000 इंडिविजुअल्स बिलो द लेवल ऑफ 200। और कहते हैं ना ये वाला, आई थिंक आई एम नॉट, 12 इंडिविजुअल्स अबव 700
एंड इट इज इक्वल टू वन अवतार. कहते एक अवतार का जन्म होता है वो 700 इंडिविजुअल्स 12 इंडिविजुअल्स एट 700 इज इक्वल टू वन अवतार 1000 लेवल पर, है ना, जो बुद्ध क्राइस्ट वो जिनको अवतार कहते हैं. तो ये कहते हैं ना कि 85% ऑफ द वर्ल्ड को 15% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बैलेंस कर रहा है. अब ये हमको सोचना है आज के समय में आपको क्या लग रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव की तरफ जा रही है, आप बताइए. यहाँ पर आपको अनम्यूट करके बताना है दुनिया किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव की तरफ जा रही है. नेगेटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव मोस्टली नेगेटिव है, बट कुछ लोग पॉजिटिव भी है इसमें. यस, कुछ लोग तो पॉजिटिव है इसलिए तो धरती थमी हुई है जी. लेकिन हम सब आप देखेंगे धीरे धीरे, हम जो पॉजिटिव वाले भी है ना, हम धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं. बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग. बट पावर तो मेरे हाथ में है, हम चाहें तो हमारे हाथ में ये पावर है, हम चाहे तो ये इसको पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं. 500 700 के स्टेज पर हम अपने कॉन्शियसनेस को ले जा सकते हैं. किसी का माइक अनम्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो रहा है. अंशु माला, आई थिंक आप काम ऐसा नहीं हुआ, काम तो प्रेम लता जी आप म्यूट कर लीजिए. ठीक है, तो ये अब हमारे ऊपर है, हमको अपने एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है. ठीक है, हम हर एक को, क्योंकि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कल हमारे बच्चों के लिए ये दुनिया कैसी होगी, और नेगेटिव टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. एज मदर एज पेरेंट्स हमारे ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आप करना चाहेंगे, करना चाहेंगे तो उसका बहुत इजी तरीका है. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में ना हर चीज का सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है. ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे हम अपने एनर्जी को तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी हम चाहें तो लव जॉय पीस उस लेवल तक हम ले जा सकते हैं. ये बहुत ईजी है. उसका पहला जो तरीका है अनकंडीशनल काइंडनेस. प्रैक्टिस अनकंडीशनल काइंडनेस. अनकंडीशनल काइंडनेस का मतलब है कि जहां पर हम अपेक्षा कुछ नहीं रखते, एक थैंक यू की भी हमको अपेक्षा नहीं है, है ना. ये आप फिजिकली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमको अपने 10-12 साल के पहले की एक घटना हमको याद है. हम ऑटो में बैठे थे, उस समय हम कोलकाता में रहते थे, तो ऑटो में बैठे थे और शेयर ऑटो था. सो द ऑटो वाला जो है ना और पैसेंजर्स के लिए वेट कर रहा था. सो आई वाज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसके साइड से देख रहे थे. तो आई सॉ अ गर्ल, वो आने की कोशिश कर रही थी और उसको पैर में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो बहुत फास्ट नहीं चल सक रही थी और मेन रोड का रास्ता था. तो जैसे जब थोड़ा सा रोड खाली होता था वो सोचती थी कि हम निकलेंगे, क्योंकि उसको लंबा गैप चाहिए, दूर तक रोड खाली हो तब वो क्रॉस कर पाएगी. तो जैसे वो सोचती थी कि अच्छा ये ऑटो निकल जाता फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक वो ऑटो स्लो कर देता था कि उसको जाना है क्या. एंड बिकॉज वो स्लो कर देता था तो तब तक बाकी गाड़ियां पीछे से आ जाती थी और वो बार बार ऐसे ऐसे इशारा करी कि मतलब आप आगे बढ़ो, हमको रोड क्रॉस करना है. तो क्या होता है ना, हम लोगों को यूजुअली वो रेस्पॉन्ड करने में भी टाइम लग जाता है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, तो हम बैठ कर 2-3 दफे उसको देखे. अब जैसे ही हमको लगा कि चलो जाकर उसको उस पार से इस पार ले आते हैं, तो जैसे हम उतरने वाले थे हम देखे कि जो हमारा ऑटो वाला था ना वो उस पार चला गया और वो बहुत तो उसको ऐसे बचाते हुए उसको रोड क्रॉस करा दिया. ये बहुत सिंपल घटना है, लेकिन आपको उस ऑटो वाले का चेहरा देखना चाहिए था. इतना उसके चेहरे में ग्लो था, है ना, उसको लग रहा था जैसे उसने उसको क्या मिल गया है, है ना, उसने क्या किया है, उसको कितना कुछ मिल गया है. वो लड़की का चेहरा भी इतना सैटिस्फाइड था. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि हमको इतनी खुशी हो रही थी, है ना. और बाद में कहते हैं, आई स्टडीड, यू नो, रिसेंटली आई रेड अ बुक जो कहते हैं कि व्हेन यू डू दिस अनकंडीशनल काइंडनेस, है ना, जिसको कहते हैं लविंग काइंडनेस, जब आप कोई भी काइंडनेस का एक्ट करते हैं
तो आज ये समय इसके ऊपर रिसर्च है एंड आई कुड रिमेम्बर दैट इंसिडेंट. तो कहते हैं कि एवरी एक्शन, हर एक कर्म जो काइंडनेस वाला हो, वो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल, तुरंत ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होता है. और किसका किसका? जिसने किया वो एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिसके लिए हुआ, एंड द थर्ड इज जिसने देखा. जितने लोग देखते हैं दे ऑल फील अपलिफ्टेड, यू नो, एंड इतना ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. और इतनी छोटी सी चीज थी कि कोई पार नहीं कर पा, बस हम पार करा दिए, है ना. तो ये अनकंडीशनल काइंडनेस जो है, ये तुरंत हमारा, जो कितने भी हम लो लेवल पर हो, वो हमारे लेवल को तुरंत 500-600 तक पहुंचा सकता है. इसके अंदर ये कैपेसिटी है ना. और जिसको आप बहुत लोगों को देखते होंगे, है ना, कि ओके वो छोड़ दीजिए, जो कहते हैं ना कि बहुत लोग वॉलंटरी सर्विस करते हैं, मतलब वॉलंटरी वर्क करते हैं. और वो क्यों करते हैं? आप देखेंगे कई बार बड़ा बड़ा बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छे पैसे वाला जॉब छोड़कर और कहीं गांव में जाकर रहते हैं, और कितना उनको फुलफिल्ड लगता है. इट्स जस्ट बिकॉज उससे इतनी प्राप्ति का अनुभव होता है ना. खैर, हमको नौकरी छोड़कर और वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहते हैं 5 acts of kindness in a week, 5 acts of kindness एक हफ्ते में, वो हमारे लेवल को 500-600 तक, वो मतलब वो कंटिन्यूसली फिर हमारा लेवल जो होगा कॉन्शियसनेस का लेवल, उस हाई फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करेंगे. 5 acts of kindness in 1 week, है ना, उससे ज्यादा की. और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका रिटर्न मिलेगा. दूसरा जो है, सो एक तरीका अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने का, और दूसरा जो बहुत सिंपल तरीका है, एंड दैट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना. हम कंप्लेन करते हैं, क्रिब करते हैं, लेकिन दुनिया में कितना कुछ हमको मिला है, उस ऊपर वाले ने कितना कुछ दिया है. अगर हम इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमारे पास घर है, भोजन है, हम इस दुनिया के 90% लोगों से ऊपर में हैं, तो एटलीस्ट उसका शुक्रिया तो बनता है. कई बार क्या होता है, मेरा अप्रेजल खराब हुआ, हमको ये नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, मेरा घर छोटा है ना, किसी और का घर में भी 4 bedroom है या डुप्लेक्स है, मेरा घर फ्लैट है. ये बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर हम परेशान होते हैं. आज के समय में अगर आप सोचिए, आपका जो पूरे जीवन का सबसे खराब दिन था, द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे खराब दिन, अगर वो भी आप कहेंगे ना कि आप कोई लेना चाहता है मेरे जीवन का सबसे खराब दिन, आप देखेंगे लाखों लोगों की भीड़ हो जाएगी उनके लिए, कि वो एक दिन वो सुख से, उनके लिए आपका सबसे खराब दिन उनके लिए सबसे अच्छा दिन हो. तो एक बार शुक्रिया तो अदा करें, है ना. ये कम नहीं है, हमको बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमारी नेचर हो गई है कंप्लेन करने की. और ये कारण उसका क्या है, जो वो आपको स्लाइड दिखाए थे, कंपैरिजन. किसी और के इतना है, एक बार देखो तो मेरे पास कितना, उस ऊपर वाले ने इतना सुंदर शरीर दिया है जिससे हम कितना कुछ कर सकते हैं, है ना. हर एक का शरीर काम भी नहीं करता है, इस उम्र तक मेरा शरीर काम करा है, हाथ पैर सलामत है ना, घर है मेरे पास, भोजन है, कल क्या खाना है उसकी चिंता नहीं है, कम है क्या? इतना अच्छा परिवार दिया है, किसी से कम भी बनता हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसका कितना ज्यादा योगदान है. हमारे जो स्पाउस है ना, झगड़ा सबसे ज्यादा करते हैं उनसे, लेकिन आप देखें उनका हमारे जीवन में कितना सहयोग है, कितना योगदान है, कितना कुछ है जिसके लिए हमको शुक्रिया अदा करना. उसका एक बहुत सिंपल तरीका है जो हम यूज करते हैं, है ना. फर्स्ट आपको क्या करना है, हील. कोई हर्ट है तो आप हील कर लीजिए, और हीलिंग के बाद जैसे आपको किसी पर गुस्सा आए, चिढ़ लगे, परेशान हो, तो मेरा एक तरीका है, एक सेंटेंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर, है ना. तो हम सोचते उस व्यक्ति से हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं. और यूजुअली हमको गुस्सा आता है ना किससे, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनके साथ हमने बहुत समय बिताया है, तो अभी उनका कोई एक्शन होगा जो हमको पसंद नहीं आ रहा है, बट आई कैन से आई एम ग्रेटफुल फॉर वो वाला दिन जब उसने ये मेरे लिए मदद किया था, जब उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया था. आप देखेंगे ना तुरंत आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी. जब हम किसी को बुरा बोलते हैं ना, सामने वाला बुरा मान लेता है, तो हमको क्या लगता है, मान लीजिए किसी कारणवश हमको गुस्सा आ गया, और मेरे बच्चे हैं या कोई भी है नजदीक का संबंधी है, उसको बुरा लग जाता है, तो हम सोचते हैं अरे इतना उसके लिए कि वो याद नहीं रहा, एक बार जब बोल दिया ये बात याद आ गई, यही बात को पकड़ कर रख लिया,
तो आप सोचिए हम भी तो यही करते हैं, कोई हमारे लिए कितना कुछ करता है वो सब बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन उसने एक बार हमसे कुछ गुस्सा कर दिया या कुछ कर दिया उस एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, है कि नहीं। तो ये सेंटेंस आई एम ग्रेटफुल फॉर, है ना, आई एम ग्रेटफुल टू दिस पर्सन फॉर दिस एंड दिस एंड दिस, आप ये सेंटेंस एक बार बोलेंगे ना वो पुराने सारे गिले शिकवे आपके धुल जाएंगे, इतना ब्यूटीफुल मेमोरीज वो सब आपको याद आ जाएगा। गांठ तो हमारे जीवन में, गांठ तो किसी रिलेशनशिप में पड़ ही नहीं सकती है, और इतना ब्यूटीफुल जब सब कुछ होगा तो मजाल ही नहीं है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो नेगेटिव हो, एक थॉट भी नेगेटिव नहीं आएगा। और इतने जो हम सुन रहे हैं, है ना, हम एक एक भी ये 500-600-700 लेवल पर ऑपरेट करेंगे ना, हमारे वाइब्रेशन से हमारा परिवार उस लेवल पर ऑपरेट होने लगा। और आप जो एक एक आशियाना में है ना, जो भी पूरे इंडिया में है ना, आपका एक एक कॉलोनी, आप सोचिए कितना पावरफुल, कितना ब्यूटीफुल वो एक एक कॉलोनी, वो हाई वाइब्रेशन कॉलोनी होगा। लोग चाहेंगे कि हम तो रहें तो यहाँ ही रहें, इसी कॉलोनी में कैसे भी हमारा घर हो, है ना, इतना ब्यूटीफुल पावरफुल एक माहौल होगा। एंड मे बी यू विल बी द चेंज एजेंट्स सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए, आप चेंज एजेंट्स बन जाए। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति। किसी को क्वेश्चन हो, थोड़ा सा तो आगे बढ़ गया, आप समय देंगे तो मे बी मैम, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक सभी को सब चीज क्लियर है, सभी कुछ अच्छा, कोई पूछ नहीं रहा है। यस मैम, क्लियर है सब कुछ। ओके ठीक है ना, मदर्स के हाथ में बहुत ताकत होती है, आपको पता है, जो घर में अगर पुरुष नाराज हो जाए ना तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन माँ नाराज हो जाती है तो पूरे घर का माहौल कैसा हो जाता है, फिर उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो माँ के हाथ में बहुत ताकत है। लेकिन मैम, हम लोग कितने भी पॉजिटिव होते हैं, दिन में कोई एक क्षण ऐसा आता है कि नेगेटिविटी आ ही जाती है मन। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर जी। जब वो नेगेटिव आया है ना, वो किसी हर्ट से आया है, है ना, आप देखिए कि वो कौन सा हर्ट है और उसको तुरंत ही कर, जस्ट फील इट कि आई एम फीलिंग बिट्रेड, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये मेरा 2011 का है जब हमने ये पढ़ा था, हम वैल्यू एजुकेशन का कोर्स किए थे और जब पहली बार ये पढ़े थे, और उसके बाद से आई एम डूइंग इट, और इतने वर्ष में 10 साल हो गया, 10-11 साल हो गया, ये राम बाण है, ये जैसा काम करता है आप सोच नहीं सकते, आप ये ट्राई करिए सभी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा आया लगा, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा लगा सच में, पता ही नहीं चला 1 घंटे कहाँ गए, लग रहा है थोड़ा सा सुने ऐसा लग रहा है। हम को 1 घंटे में बहुत कॉम्पैक्ट करके हम सोचे जल्दी जल्दी बता देते हैं। चलिए, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हमारे बीच में जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर मिथिलेश कुमार जी हैं, तो उनको हम स्वागत करते हैं। आप सर शायद 2 शब्द शेयर करेंगे इन मदर्स के लिए जिन्होंने जो इतना आगे बढ़कर और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। ओवर टू यू सर, आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। एक मिनट। हाँ हाँ, अभी हो गया अनम्यूट, अब बोलिए। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ है। नहीं हुआ अनम्यूट, नीचे देखिए वो माइक। अभी ठीक है। पहले तो आपके 1 घंटे का सेशन लगा कि अभी पिन ड्रॉप, हम लोग कभी हिले नहीं, कुछ पानी भी पीने में सोचना पड़ रहा था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपने 1 घंटे में दिया। मैं रांची से बोल रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे जब सूचना मिली तो मैं सब काम छोड़कर 4 बजे रेडी हो गया। दूसरी चीज, पॉजिटिविटी लाइफ की कितनी बड़ी चीज है, ये आपने 1 घंटे में बहुत अच्छे ढंग से इसको डिस्प्ले किया। हर व्यक्ति अपने जीवन में, मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो
पहले तो हमारे 33 पार्टिसिपेंट्स में मैंने काउंट किया, 3-4 ही मेल हैं, बाकी हमारी बहनें और माताएं ही हैं। तो स्ट्रेस पर उनका कितना ज्यादा ध्यान है, क्योंकि एक घर का स्ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन जो घर की फीमेल होती हैं, माँ होती हैं, बहन होती हैं, वो सबका स्ट्रेस अपने ऊपर लेती हैं, इसलिए उनका पॉजिटिव लाइफ स्टाइल होना सबसे जरूरी है। मैं बातें तो आपने इतनी अच्छी कही, मैं एक एक चीज को हृदयंगम भी नहीं किया, मैंने नोट भी किया बहुत सारी चीजों को। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ब्रह्म कुमारी के द्वारा पॉजिटिविटी के जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं उससे कितने लोग बेनिफिटेड हुए हैं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो पिछले साल सेकेंड फेज के कोरोना पीरियड में मेरे पुत्र IIM लखनऊ से आए, उनका उस दिन बर्थडे था, मैंने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया, घर लाया, और उन्होंने बताया था कि पापा मैं भी मैं नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ कि मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ। वो दो दिनों में वो पॉजिटिव हो करके कोरोना पीड़ित हो गए, आइसोलेट हो गए। मैं भी 2-3 के बाद मैं पॉजिटिव हो गया। अप्रैल 2021 की बात में बता रहा हूं, सभी बहनों को मैं बताना चाहूंगा, ये प्रैक्टिकल उदाहरण मैं दे रहा हूं। लगभग 15 दिन तक तो मैं आइसोलेट रहा एक कमरे में। ये ब्रह्म कुमारी की कुछ वीडियो और CD देखकर, कुछ बुक्स पढ़ करके सोशल मीडिया से, विश्वास नहीं करेंगी, मेरे मन में 1% भी कभी निगेटिव कोई बातें नहीं आई। मैं ट्रीटमेंट कराते रहा, एलोपैथीज होम्योपैथीज, मैं खुद बीमार होकर बहुत मित्रों को, बहुत लोगों को मैं ट्रीटमेंट करते रहा, अपनी दवाएं उन लोगों को बताता था। क्या ईश्वर ने वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर दिया, और घर के और हमारे 3 मेंबर, मेरी मिसेज, लोगों ने सब कोई अपने को अपने ढंग से मैनेज किए। उसके बाद मेरा CT value 10 था, बाद में जब मेरा रिपोर्ट आया, कहीं मेरे मन में जो कहा जाएगा ना कि पॉजिटिविटी का क्या असर होता है, 14 दिन बाद बेटे निगेटिव हो गए, मेरा 28 हुआ CT value, फिर एक हफ्ते बाद मैं भी निगेटिव हो गया। इसमें मैं शेयर करना चाहता हूं कि उस दरमियान मैंने ब्रह्म कुमारी की एक बात जो मेरे जहन में आई पॉजिटिविटी के साथ, आज वो मेरी लाइफ स्टाइल बन चुकी है। वो बताकर मैं बात को खत्म, आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं। तो मैं देख रहा था फेसबुक पर, तो सिस्टर शिवानी जो ग्रेट स्पीकर हैं, आप भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं नो डाउट, लेकिन उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को, उन्हें नारी शक्ति सम्मान भी राष्ट्रपति द्वारा मिला। उन्होंने उनकी बहुत सारी सीडीज मैं देखते देखते, लेकिन वो जिस दिन मैं देखा, मैं डायरी भी रखता था साथ में, नोट करते गया। आप लोग भी सुनेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, माताएं बहनें खासकर, वो 6 बातें वो बोली कि हर व्यक्ति को फैमिली में, अगर आप हर ह्यूमन बीइंग आप अपने लाइफ में हमेशा याद करते हैं, आपको मालूम होगा, तो उससे आपके हर चीज में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसको याद रखते हुए खाना बना रहे हैं आप, घर का काम कर रहे हैं, मैं ऑफिस में कुछ कर रहा हूँ, ये 6 बातें बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि हमेशा महसूस कीजिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा खुश और प्रसन्न रहना है, मैं हमेशा खुश हूं, प्रसन्न हूं। तीसरी बात है कि हर परिस्थिति में, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके यहाँ दुख और सुख न आते हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सुख और दुख आते रहते हैं। कभी अच्छे समाचार आते हैं, दुख का समाचार हम लोग उसको महसूस करते हैं। हर परिस्थिति में आप समभाव रहिए, अपने भाव को आप कंट्रोल में रखिए, अति उत्साह में ना जाए, अति दुख में ना जाए, वो शिवानी बहन का ये तीसरी। चौथी उन्होंने कहा कि मुझे किसी नहीं डरना है, हमारे ऊपर मेरी माँ, मेरी ईश्वर, मेरे पिता, वो शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रहा है, इसलिए मैं क्यों डरूं। यह हमेशा महसूस कीजिए, आप जिस धर्म को मानते हो, संप्रदाय को मानते हो। चौथी बात, पांचवी बात उन्होंने कहा कि मेरा ये शरीर है, यही सब कुछ का माध्यम है, शरीर मेरा स्वस्थ है, मैं हर तरह
से ठीक हूँ, अभी आप ज्यादा हर्ट करती हैं, एक हेल्थ और एक आपका इकोनॉमिक कंडीशन, ये हर फैमिली को हर सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा आप महसूस कीजिए कि मैं शरीर से एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, और जो छठा उन्होंने कहा कि मेरा घर ही स्वर्ग है, मेरा घर ही मंदिर है, उसे महसूस करें, बात करें, इसको मैं आज भी अनुपालन करता हूं और उससे इतना बेनिफिट है और लोगों को मैं बताता हूं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव भाव रखने से जीवन में दुख भी कट जाएंगे। कभी भी खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती है, आत्मविश्वास रूपी कोई चीज उसमें भरेंगे तभी वो खड़ा होगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपने लाइफ को जी पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आज भी मैंने आपसे बहुत बातें सीखी, नोट भी किया, फिर कभी मिलेंगे भी हम लोग। धन्यवाद सबको, को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर। सर सेकंड पॉइंट क्या आप रिपीट करेंगे प्लीज? सेकंड पॉइंट जो आप बताए थे, सेकंड पॉइंट बताए थे ना, पहला था मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, दूसरा है कि मुझे हमेशा प्रसन्न और खुश रहना है, पॉजिटिव अपने आप की एनर्जी लेना है मन में। ओके थैंक यू सर। जैसे माँ खाना बना रही है, वाइफ खाना बना रही है, यही बात सोच रही है, तो उस खाने का जैसा इन्होंने दिखाया प्लांट में, जैसे आई लव यू आई हेट यू, वो एकदम उसका असर पड़ता है जी। खाने का टेस्ट जो है बनाने वाले के मन में क्या भाव है उससे उत्पन्न होता है। तो दूसरा वही है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, खुश रहूंगा, खुश रहना है, और तीसरा है शांत भाव रहना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की लोगों के साथ, काफी लोगों को अच्छा लगा होगा। जी जी, तो आज की स्पीकर तो जया पांडे बहन है ना? जी हाँ ठीक है, चलिए। और जो ऑर्गेनाइजर है पूनम देवी जी, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना अच्छा आप शेयर किए, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा, आपका आभारी है। सिक्स आप पॉइंट बताए, हम सभी सुपर मॉम लगभग लिखे और सिस्टर शिवानी का है, मेरे शब्द में उनकी बातों को मैंने थोड़ा अपने सीधे साधे अंदाज में मैंने बताया। और जया दीदी तो इतना अच्छा बोली कि हम लोग पता ही नहीं चल रहा कि एक घंटा कब बीत गया, लग रहा है कि दो घंटा का सेशन वो भी कम हो जाती। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, जया दीदी आपका जमशेदपुर प्रवास रहता है? जया दीदी अभी टाटा में रहती है, जमशेदपुर में आप? हाँ हम जमशेदपुर में रहती है। हाँ हाँ जी ठीक है, अब मैं ऑफ होता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, पहला धन्यवाद तो सर, एक मिनट, थैंक यू सर, एक मिनट सर, पहला धन्यवाद तो आशियाना को और सोनिया को बनता है, जो कि हमें प्लेटफॉर्म दिया, जिसके मार्फत हम आपसे जुड़ सके, ब्रह्मा कुमारी से, दीदी से और सर आपसे जुड़ सके, सभी को धन्यवाद सर। आई थिंक उनका बैंडविड्थ लो है, नेट का कुछ इश्यू है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम। किसी को कुछ पूछना है मैम से, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं अभी। पूछने के लिए कुछ है ही नहीं हम लोग के पास, सुनने के लिए। यस मैम, चलिए बहुत अच्छा, आपको यूजफुल लगा तो बहुत अच्छा, आप इसको हम लोग अप्लाई करें, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कितना अप्लाई कर सकते हैं वो तो हम लोग पे निर्भर करेगा। बहुत इजी है, एक ही दो चीजें हैं, है ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और एक है काइंडनेस, बस दो ही चीज करते रहना है। यस मैम, थैंक यू सो मच जया मैम, इट इज अ वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन, और काफी लोगों को पसंद आया होगा, आपने बहुत अच्छे से भी डिस्क्राइब किया है लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनिया, थैंक यू ऑल सुपर मॉम, थैंक यू टू सुपर मॉम, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। ओके जय श्री कृष्ण, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, सो आई कैन लीव द मीटिंग नाउ? यस यस श्योर मैम। ओके।